इस हेडलाइंस के लिए हमारे साथ ताउन किया है। बिल्कुल सही बात है कि साबुन कोई भी हो बार बार हाथ धोना जरूरी है, पर साबुन कोई भी हो खरीदना तो पड़ेगा, वो भी बार बार। क्या ही अच्छा हो कि कुछ दिनों तक ये साबुन मुफ्त मिल जाए। तो अब से वाइटल चाय खरीदते वक्त अपने दुकानदार से डिमांड कीजिए वाइटल एंटी बैक्टीरियल सोप बिल्कुल मुफ्त। वाइटल चाय के बड़े पैक के साथ बड़ा और छोटे पैक के साथ छोटा वाइटल एंटी बैक्टीरियल सोप बिल्कुल मुफ्त। जरासीम को मात दो, बार बार हाथ धो। हुक्मरानी का कंबल तहरीक इंसाफ की जान नहीं छोड़ेगा। एक वक्त आएगा वजारते उज्मा लेने वाला कोई नहीं होगा। तहरीक इंसाफ कोरोना और टिड्डी दल का मुकाबला करने में नाकाम हो गई। हुकूमत ने लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। इमरान खान कहते हैं गुर्बत बढ़ जाए तो समझ जाए वजीर आजम चोर है। ख्वाजा साद रफीक बोले तहरीक इंसाफ के मुताबिक सारे चोर अपोजिशन में है। इमरान खान ने ऐवान को बेतौकीर कर दिया। हुकूमती ऐलान के बावजूद आरिफ वाला में चीनी की कीमतें कम न हो सकी। शहरी 80 रुपए फी किलो चीनी खरीदने पर मजबूर है। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ वाला से राणा जावेद इकबाल। मुल्क भर में चीनी सस्ती होने का ऐलान तो कर दिया गया, मगर चीनी सस्ती मिलेगी कहां से, ये सवाल है हुकूमत से आरिफ वाला के गरीब आवाम का। क्योंकि ताहाल शहर और मुजाफात में करियाना स्टोर पर चीनी की फरोख्त अभी भी पुराने रेटों पर जारी है, जिस पर शहरी नाखुश नजर आ रहे हैं। चीनी सानू मिलती पई 80 रुपए जी, गवर्नमेंट कहती है चीनी 70 रुपए जी, लेकिन 70 रुपए चीनी सानू कोई दे नहीं रहा। गवर्नमेंट जी किसी चीज़ से कोई आयती अमल दरामद नहीं करा सकती। दूसरी जानब करियाना स्टोर मालकान का कहना है कि चीनी महंगी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। इल्दार कभी म्युनिसिपल कमेटी कभी टाइगर फोर्स हमें बार बार तंग कर रही है कि चीनी 70 रुपए किलो बेचे, लेकिन मार्केट में हमें 78 रुपए किलो चीनी पड़ रही है। अगर मार्केट हमें इंतजामिया चीनी 67 या 68 रुपए दे तो हम 70 रुपए सेल कर सकते हैं। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि वो चीनी की कम कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए मसरूफी अमल हैं, जल्द ही चीनी की रेट का मसला हल हो जाएगा। वी आर अवेयर ऑफ इट और इंशाल्लाह हम कुछ स्ट्रेटजीज डिवाइस कर रहे हैं जिसके थ्रू विद इन अ फ्यू डेज ये इस पे काबू पा लिया जाएगा। इंशाल्लाह ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। महंगाई की स्थाई आवाम का कहना है कि हुकूमत ने अगर चीनी का रेट कम किया है तो कम रेट पर चीनी की फरोख्त भी यकीनी बनाए। पाकपतन में महंगाई में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाजी धरना दे दिया। शुरका ने कोरोना SOP के तहत बस स्टैंड के बाहर बैठकर शदीद नारेबाजी की। धरने के शुरका का कहना था पेट्रोल आटे और अब चीनी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर रहा है, नाकिस पॉलिसियों ने आम शहरी रोटी का निवाला तक छीन लिया है। शुरका ने कहा कि एशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफे से गरीब बुरी तरह मुतासिर हुआ। जिला पाकपतन में 24 रोज में भी पेट्रोल की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। शहर भर में पेट्रोल नायाब हो गया जिसकी बाइस शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। पाकपतन के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तियाब नहीं, जबकि चंद पंप्स पर पेट्रोल इंतहाई कम मिकदार में शहरियों को फरोख किया जा रहा है। जिला इंतजामिया पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान के खात्मे के लिए मुतहरिक ना हो सकी। भवाना में शदीद गर्मी के साथ वापजा की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शदीद गर्मी और हब्स के दौरान लोड शेडिंग के 27 शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। भवाना के इलाके जामियाबाद और अमीनपुर बंगला में बदतरीन लोड शेडिंग से 27 शहरियों का कहना है कि बिजली न होने की वजह से इनके कामकाज और कारोबार ठप होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से वो फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। दूसरी तरफ से लोड शेडिंग से घरों में पानी तक मौजूद नहीं। इस हेडलाइंस के लिए हमारे साथ ताउन किया है। बिल्कुल सही बात है कि साबुन कोई भी हो बार बार हाथ धोना जरूरी है, पर साबुन कोई भी हो खरीदना तो पड़ेगा, वो भी बार बार। क्या ही अच्छा हो कि कुछ दिनों तक ये साबुन मुफ्त मिल जाए। तो अब से वाइटल चाय खरीदते वक्त अपने दुकानदार से डिमांड कीजिए वाइटल एंटी बैक्टीरियल सोप बिल्कुल मुफ्त। वाइटल चाय के बड़े पैक के साथ बड़ा और छोटे पैक के साथ छोटा वाइटल एंटी बैक्टीरियल सोप बिल्कुल मुफ्त। जरासीम को मात दो, बार बार हाथ धो।